नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी के अंचल कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रपत्र को कैसे भरेंगे इसके बारे में जानेंगे, जिससे हम लोगों को अंचल कार्यालय में किसी भी तरह की सूचना प्राप्त करने के लिए इस प्रकार आवेदन प्रपत्र को भरना है। आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, लिखना है लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी लिख दीजिए, देना है अंचल कार्यालय आलमनगर मधेपुरा, अपना नाम अपना पूरा पता लिखेंगे। उसके बाद मैंने हालांकि दाखिल खारिज से संबंधित सूचना मांगा था और LPC से संबंधित, आप लोग को जो भी जिस तरह की सूचना मांगनी है इसी तरह यहाँ पॉइंट टू पॉइंट 1, 2, 3 करके आप लोग भर देंगे। जो भी सूचना आप लोगों को चाहिए, आप लोग देख रहे हैं, समझ भी रहे होंगे शायद, तो इसी प्रकार अपना पॉइंट टू पॉइंट जो है 3-4 पॉइंट में अधिकतम 150 अक्षरों में आप सूचना एक बार में मांग सकते हैं और एक ही विषय वस्तु पर मांगेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह भर देंगे, उसके बाद जो है इसमें शुल्क के रूप में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगता है, जिसमें यह रसीद संख्या पोस्टल ऑर्डर का इसमें भर देंगे, पोस्टल ऑर्डर और दिनांक जिस दिनांक में आप लोग भरेंगे। इस तरह करके कार्यालय में हम लोग अंचल कार्यालय में सूचना मांग सकते हैं, अपना हस्ताक्षर कर लेंगे, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पूरा पता लिख देंगे और अपना पता जहाँ आप मुख्य प्रखंड से जहाँ आपका पता है या जिला है उसका नाम लिख देंगे अपना हस्ताक्षर करके। इसी प्रकार प्रपत्र को कर आप अंचल कार्यालय में सूचना मांग सकते हैं। अब इसके लिए जो है 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दिया जाता है, उसे किस प्रकार भरेंगे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें लिख देंगे लोक सूचना पदाधिकारी अंचल कार्यालय का नाम और संबंधित जगह का नाम लिखेंगे, मैंने आलमनगर मधेपुरा ज़िले से ये सूचना मांगा था, और यहाँ अपना पता लिखेंगे, अपना नाम और पूरा पता लिख देंगे। जो आवेदक हैं वो अपना नाम पता लेंगे और जिस कार्यालय में यह पोस्टल ऑर्डर जाएगा वो किस कार्यालय में वो अपना पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस वहाँ का, जैसे प्रखंड कार्यालय जहाँ रहता है उसी पोस्ट ऑफिस में वे लोग इसको भजा सकते हैं, इसलिए उसी का नाम देना है। यहाँ जैसे आलमनगर प्रखंड है तो आलमनगर जो भी प्रखंड का नाम है, डाकघर जो मुख्य है उसका यहाँ बता देंगे और इस तरह करके क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ लोक सूचना पदाधिकारी या PIO लिख देंगे, अंचल कार्यालय का नाम लिख देंगे, फिर किस डाकघर में तो उसी कार्यालय का नाम यहाँ होगा, क्रॉस किया इसी क्रॉस को यहाँ हाँ लिख देंगे, फिर अपना डेट देंगे अपना। इस प्रकार करके आप पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का उसमें लगा देंगे भर करके, और आधा ये जो है कट करके ये रख लेना, ये आधा यहाँ कटिंग होगा ये आप अपने पास रखेंगे, इसका फ़ोटो स्टेट करा के आप लोग रखेंगे और जो भी प्रपत्र को भी फ़ोटो स्टेट करा लेंगे। और कहाँ कैसे भेजना है पता, तो वही टू लोक सूचना पदाधिकारी सह यहाँ अंचलाधिकारी भी लिख सकते हैं, फिर अंचल कार्यालय का नाम लिख देंगे, उसका पिन कोड सहित दे देंगे, आप डाक से रजिस्टर्ड डाक से भेजना है और इधर अपना पूरा पता लिखें। जब भी आप लोग भेजेंगे प्रपत्र को या किसी भी सूचना को तो आप कोशिश करें रजिस्टर्ड डाक से भेजें, या कार्यालय में भी जमा करा सकते हैं तो उसका रिसीविंग अवश्य लेंगे। आप लोग शायद समझ गए होंगे, उपयोगी लगे तो एक दूसरे को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे इस तरह की जानकारी आप लोगों को हमेशा सौ समय मिलता रहे। जय हिंद।